हरियाणा विधानसभा चुनाव में शनिवार को 67% के करीब मतदान हुआ। सी वोटर सर्वे के नतीजे ये संकेत देते हैं कि कांग्रेस एक दशक के बाद राज्य में वापसी कर सकती है। कई अन्य सर्वेक्षणों ने भी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने की भविष्यवाणी की है। सी वोटर के सर्वे में अगर देखा जाए तो कांग्रेस को 90 में से 50 से 58 सीटें मिलती दिखी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 20 से 28 सीटें आ सकती हैं, वो भी 90 सीटों में से। तो जेजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें जा सकती हैं, तो अन्य के पास यानी निर्दलीय के पास 10 से 14 सीटें जा सकती हैं। एग्जिट पोल सर्वे संकेत देता है कि सत्तारूढ़ बीजेपी एक दशक के बाद सत्ता खोने वाली है। आइए जानते हैं कि बीजेपी की मौजूदा स्थिति के पीछे कौन सी वजहें जिम्मेदार हैं। पहला, बेरोजगारी। 2021-22 में हरियाणा की बेरोजगारी दर 9% थी, जो राष्ट्रीय दर 4.1% से दोगुनी से भी ज्यादा थी। भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2 लाख नौकरियों का वादा किया, लेकिन अपने 2 कार्यकालों के दौरान लगभग 1,84,000 खाली पदों को भरने में फेल रही। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि उनके कार्यकाल के दौरान की गई सभी भर्तियां योग्यता के आधार पर थी। इसके बाद भी कांग्रेस ने यह सवाल उठाकर दावों की पोल खोल दी। हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्यालय से 3 करोड़ रुपए की ज्यादा की राशि क्यों बरामद की गई? बीजेपी एक शहरी केंद्रित पार्टी है, जिसका वोटर बेस शहरी और अर्ध शहरी निर्वाचन क्षेत्र है। शहरी कैडर वोटों की वजह से पार्टी ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 44 विधानसभा इलाकों में जीत हासिल की। शहरी मतदाताओं ने वोट न देकर भाजपा को छोड़ दिया। 2 करोड़ मतदाताओं में से सिर्फ 1 करोड़ ने ही वोट डाला। अन्य लोग अपने घरों के अंदर रहे या 2 दिन की छुट्टी के बाद वीकेंड की छुट्टियों पर चले गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा भ्रष्टाचार से निपटने और सरकारी सेवाओं को सरल बनाने के लिए किए गए शासन सुधार पार्टी के लिए 2 धारी तलवार साबित हुए। राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र, संपत्ति पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ई क्षतिपूर्ति टेंडरिंग और भवंतरण भरपाई योजना पेंशन सहित कई ई पोर्टल शुरू किए। लोग सरकार से नाराज थे क्योंकि उन्हें इन योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा था। राज्य सरकार ने किसानों को लुभाने के लिए कई फैसले किए, लेकिन वो कागजों तक ही सीमित रहे। अगस्त 2024 में 24 फसलों पर MSP देने का फैसला किया गया। राज्य सरकार ने सरकारी भर्ती में 10% आरक्षण, आयु में छूट और रिटायर्ड अग्निवीरों को बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन देने का भी ऐलान किया। इसके बाद भी ये हकीकत नहीं बन सका, क्योंकि इसका ऐलान चुनाव से ठीक पहले किया गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।